सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं। हाल ही में हुए तीनों राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद बीजेपी आज नागालैंड में भी सत्ता के शिखर पर बैठी। नागालैंड में गठबंधन की सरकार बनी और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेफ्यू रियो ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। नेफ्यू रियो के शपथ ग्रहण समारोह के पहले नेशनल पीपल्स पार्टी ने बुधवार को राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि वह एनडीपी बीजेपी गठबंधन से समर्थन वापस ले रही है। हालांकि इसका सरकार के गठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 60 सदस्यीय सदन में एनडीपी बीजेपी के मिलकर 30 विधायक हैं और उन्हें दो अन्य का भी समर्थन हासिल है, एनपीपी के दो विधायक हैं। नेफ्यू रियो अकेले ऐसे नेता हैं जो लगातार तीन बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। वो नागालैंड के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 2014 में जिन दो मुख्यमंत्रियों ने लोकसभा चुनाव लड़ा था उनमें एक नरेंद्र मोदी और दूसरे रियो थे। रियो ने त्रिपुरा की दीमापुर सीट से चुनाव लड़ा था। वो राज्य से नगा समस्या खत्म करने का वादा करके केंद्र में गए थे। त्रिपुरा से वो इकलौते सांसद थे। इस पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने राज्य में वापसी की। नागालैंड की सत्ता में आज बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस खूबी से नेफ्यू राज्य को संभालेंगे। अखिल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।